हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं मृगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में जो हमने एनर्जी थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस का जो एक्सप्रेशन था, जो उसके फॉर्मूलेज थे वो हमने देखे थे, उनके डेफिनेशंस और जो उनके पीछे कंसेप्ट होते हैं वो सभी हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं ड्रैग फोर्सेस ऑन अ फ्लैट फेस के बारे में। ओके, एक फ्लैट सरफेस के बारे में मैं ड्रैग फोर्स की कैलकुलेशंस करने वाला हूँ, जिसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, दैट इज नोन एज वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, जिसके थ्रू मैं जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, दैट इज द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, शियर स्ट्रेस, लोकल कोफिशियंट ऑफ ड्रैग, एवरेज कोफिशियंट ऑफ ड्रैग, टोटल ड्रैग फोर्स, ओके, ये सारे जो टर्म्स होते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस के रिगार्डिंग वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखते हैं सबसे पहले ये वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन करता क्या है और इसको डिराइव किस तरह से किया जाता है। ठीक है, वॉन कार्मन मोमेंटम इक्वेशन बेसिकली ड्रैग फोर्स ऑन अ प्लेट, इसके लिए हम लोग डिराइव करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये लैमिनार फ्लो एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो बोथ के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ लैमिनार के लिए या फिर हमको टर्बुलेंट के लिए देखना है, तो ये लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड है। ओके, लास्ट में इसको हम जितने भी पॉइंट्स हैं, जहां ये वैलिड है, जिस चीज के लिए एप्लीकेबल है, सो एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन मैं लास्ट में आपके लिए लिस्ट आउट भी करूंगा, जहां पर हम इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहां पर मैंने बताया कि बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लैट सरफेस और अ फ्लैट प्लेट के लिए स्टार्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, उसके लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब मैंने बात किया है ड्रैग फोर्स का ऑन अ प्लेट, तो व्हाट डज इट मीन बाय ड्रैग फोर्स, इसको समझते हैं सबसे पहले। ओके, सो ड्रैग फोर्स, so drag force is nothing but a force which we feel while moving in a flow field। जैसे कि सिंपल, जब मैं गाड़ी चलाता हूं, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं उसके अगेंस्ट, अगर मैं आगे मूव कर रहा हूं तो पीछे की तरफ मुझे धक्का फील होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर है, ठीक है, वो मुझे पीछे की तरफ वापस भेजने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है जो मैं अपने मोशन के अगेंस्ट फील करता हूँ बाय द फ्लूड और द फ्लूड फील्ड जिसमें मैं मूव कर रहा हूँ, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। ओके, अब इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, मैंने यहाँ पर कोई फ्लूड फील्ड ले ली, यूनिफॉर्म फ्लूड फील्ड ले ली, ठीक है, जिसकी जो वेलोसिटी है दैट इज यू इनफाइनाइट। ओके, दिस इज यू इनफाइनाइट। अब जब मैं एक प्लेट की बात करता हूँ जो इसमें फ्लो होने वाली, ठीक है, सो ये रही ये फ्लूड की पूरी लेयर्स। ओके, अब इसमें जब ये प्लेट मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो फ्लूड है ये अभी स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि यू इनफाइनाइट आई कैन से जीरो। अभी मैं यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन वगैरह को आपको उतने माइक्रोस्कोपी लेवल पर जाकर डिस्कस नहीं कर रहा, जनरल सी चीज़ आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज द ड्रैग फोर्स। तो क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं फॉर नो स्लिप कंडीशन जो फ्लूड पार्टिकल्स होंगे वो इस सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, और क्योंकि एक रियल फ्लूड होगा तो इसकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू, दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर सरफेस पे, एट दिस सरफेस, एट एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ नॉट, दैट इज वॉल शियर स्ट्रेस, विल बी इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो। इतना शियर स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये प्लेट जब मूव कर रहा है, यानी कि प्लेट की कोई फाइनाइट वेलोसिटी है, लेट अस से यू, तो इस केस में ये जो प्लेट है वो एक पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ दिस फ्लूड। ओके, ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या करेगा, ये जो फोर्स होगा इसको, इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा। ये जैसे मैं देख सकता हूं इस माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा जो इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। सो दिस फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स एंड ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू टाउ नॉट इन टू द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। ड्रैग फोर्स को मैं एफ डी से रिप्रेजेंट करता हूं एंड एफ डी एट अ सरफेस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस एट द सरफेस और द वॉल दैट इज टाउ नॉट इन टू एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, नाउ जब हम आगे बढ़ेंगे इस मॉड्यूल में तो हम देखेंगे ड्रैग फोर्स दो टाइप का होता है, जिसमें ये जो मैंने लिखा है ये एक तरह का ड्रैग फोर्स है। ठीक है, तो जब मैं ड्रैग फोर्स में
को डिवाइड करता हूँ तो मैं बोलता हूँ पहले तो टोटल ड्रैग फोर्स, टोटल ड्रैग फोर्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, टोटल फोर्स और टोटल ड्रैग फोर्स, टोटल ड्रैग फोर्स, ओके, टोटल ड्रैग फोर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट हो जाएगा आपका ड्रैग ड्यू टू प्रेशर, ड्रैग ड्यू टू प्रेशर, या इसको प्रेशर ड्रैग भी बोलते हैं, ओके, और प्रेशर ड्रैग। सेकेंड होता है आपका स्किन ड्रैग, स्किन ड्रैग, ओके, और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, फ्रिक्शन ड्रैग। तो जो टोटल ड्रैग फोर्स है, टोटल ड्रैग फोर्स उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वन इज द ड्रैग फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड सेकेंड इज द स्किन ड्रैग, ओके, और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। तो ये जो ड्रैग फोर्स हम देखेंगे यहां वॉन कार्मन इक्वेशन में, दैट इज द स्किन ड्रैग, स्किन ड्रैग, ओके। किसी भी प्लेट के सरफेस पे जब कोई फ्लूड मूव करता है तो वो उसके सरफेस पे एक शियर स्ट्रेस टाउ नॉट जनरेट करता है, दैट इज शियर स्ट्रेस एट द वॉल, ओके। इस शियर स्ट्रेस को अगर मैं एरिया से डिवाइड, इस एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज टाउ नॉट इनटू ए करूंगा, इन दैट केस मुझे मिलेगा फोर्स, ओके, और ये इसकी स्किन पे मिल रहा है, इसके सरफेस पे मिल रहा है, ठीक है, एंड इट इज पैरेलल टू द सरफेस, ओके। तो इसको मैं बोलता हूं स्किन ड्रैग। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्लूड है, ओके, फ्लूड जो है, सपोज मैं कोई ऐसा बॉडी लेता हूँ, एक रैंडमली कोई बॉडी लेता हूँ, तो इस पे ये किसी फ्लूड के फ्लूड फिल्म में मूव कर रहा है, तो उस फ्लूड का प्रेशर अगर पी है, सो प्रेशर इनटू सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ये क्या करेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, लेट अस से ये पी इनटू ए इस एरिया, इस डायरेक्शन में है, तो दो डायरेक्शन में इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज पी ए, पी ए कॉस थीटा, लेट अस से दिस इज थीटा एंड दिस विल बी पी ए साइन थीटा, ओके। सो दिस फोर्स इज नोन एज द प्रेशर ड्रैग, प्रेशर ड्रैग, ओके। ये जो प्रेशर ड्रैग होगा या स्किन ड्रैग होगा, ये बॉडी के शेप एंड बॉडी के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर सपोज आप बाइक में पीछे कोई एक रेक्टेंगुलर बोर्ड पकड़ के बैठे हो, ठीक है, और अगर उस बोर्ड को आप वर्टिकल रखो, ठीक है, वर्टिकल यानी कि ये एयर का फ्लो है, दिस इज एयर फ्लो, और इसके परपेंडिकुलर आप अपने सरफेस को रख दो, तो आप देखोगे आपको बहुत जोर का धक्का फील होगा पीछे की तरफ। सिमिलरली अगर ऐसा ना रख के इसको मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एयर ऐसा रख दूंगा, तो मुझे उस केस में मिनिमम रेजिस्टेंस फील होगा। तो यहां से मुझे समझ आता है जो ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, उसको किस ओरिएंटेशन में मैंने रखा है इस पे डिपेंड करती है, ओके। सो दीज आर द टाइप ऑफ ड्रैग फोर्स, दैट इज ड्रैग फोर्स ड्यू टू प्रेशर और प्रेशर ड्रैग एंड स्किन ड्रैग, ओके। और यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, स्किन ड्रैग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो जैसा मैंने बताया कि जब मैंने एक फ्लूड लिया, ठीक है, जो कि स्टैटिक कंडीशन में था, यानी कि यू इनफाइनाइट वाज जीरो, मैंने इस समय भी बोला आपको कभी बाउंड्री फॉर्मेशन ये सब आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ओके। और मैंने लिया था जो प्लेट है उस, वो किसी वेलोसिटी यू से ट्रैवल कर रहा था, तब हमने देखा कि जो सरफेस है इसका, या किसका स्किन बोल सकता हूँ, स्किन पे इसके मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स सेटअप हुआ, दैट इज नोन एज एफ डी, एफ डी इक्वल टू होता है टाउ नॉट इनटू द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, एंड दिस इज नोन एज द स्किन फ्रिक्शन और द स्किन ड्रैग, ओके। तो हम लोग इसको अभी तो फिलहाल के लिए इसको हम ड्रैग फोर्स ही बोलेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर बात आती है कि ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन क्या लेना है। तो मैंने देखा जब मेरा प्लेट इस तरफ मूव कर रहा था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स है वो लग रहा है। अगर मैं कंडीशन उल्टी कर दूँ, यानी कि जो u है दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेट दैट इज जीरो, यानी कि प्लेट अब आपकी स्टैटिक है और फ्लूड मूव कर रहा है, ओके, तब भी आप देखेंगे कि यही कंडीशन होगी, तब भी यही कंडीशन होगी, यानी कि फ्लूड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो प्लेट को भी उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। सिंपल एक एग्जांपल है, आप अगर डेली लाइफ में देखते हैं किसी चीज़ को, हम अगर वाटर जेट से या पाइप से वॉश कर रहे हैं तो प्लेट पे जब वाटर इंसिडेंट होता है, टकराता है प्लेट से, तो जिस तरफ फ्लूड जा रहा है वो उस तरफ उसको लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी स्टैटिक प्लेट पे कोई जब फ्लूड मूव करता है तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड इस सरफेस पे फोर्स लगता है, दैट इज ड्रैग फोर्स,
ओके एफ डी। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर भी जो ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन था दैट वॉज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड, और यहाँ पर भी सेकेंड केस में भी द ड्रैग फोर्स इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड। तो सिंपल आपको यहाँ से इसके लिए डायरेक्शन मिल जाता है दैट द डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड। और कुछ भी आपको यहाँ पर कंसिडर करने की या ज़्यादा सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ से कभी भी देखेंगे तो ड्रैग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड। ओके ठीक, तो यहाँ पर आपको ये साइन कन्वेंशन, ये डायरेक्शन आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अवर प्लेट जिसकी लेंथ जो है दैट इज एल। ओके सो दिस पॉइंट इज टेकन एज एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड दिस इज एक्स इक्वल टू एल। ओके नाउ मैं यहाँ पर एक फ्री स्ट्रीम कंसिडर करता हूँ विच इज यूनिफॉर्म अलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन। सो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म फ्री स्ट्रीम जिसकी वेलोसिटी की वैल्यू है यू इनफाइनाइट। ओके नाउ जब ये फ्री स्ट्रीम इस सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है सो वी ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अ बाउंड्री लेयर। ओके सो यहाँ पर मैं किसी एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है दैट इज डेल, डेल इज द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट अ लोकेशन एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज। एक्स इक्वल टू जीरो को बोलते हैं लीडिंग एज। ओके नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो वाई डायरेक्शन है, ठीक, तो इस वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल है, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू एंड वाई एक्सिस के बीच में अगर कर्व प्लॉट करूँ तो मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगा। सो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल एट दिस लोकेशन। ओके नाउ यहाँ पर एक्स डिस्टेंस के बाद मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक डिस्टेंस कैलकुलेट एक कंसिडर करता हूँ दैट इज डी एक्स। ओके डी एक्स डिस्टेंस ऑफ द प्लेट मैं कंसिडर करता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ए, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं बी, इस पॉइंट को बोलता हूँ सी, इसको बोलता हूँ डी। एक एलिमेंटल रीजन मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज डी एक्स विच इज द एलिमेंटल लेंथ ऑफ द प्लेट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ओके नाउ दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज प्लॉटेड बिटवीन यू एंड वाई डायरेक्शन। ओके नाउ यहां पर मैं जानता हूं जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है दैट इज डेल। ओके नाउ प्लेट से वाई डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं जिसकी जो थिकनेस है दैट इज डी वाई। ओके नाउ जो प्लेट की विड्थ है, लेट अस कंसीडर प्लेट की विड्थ जो है वो बी है। ओके तो इस केस में अगर मैं निकालना चाहूँ इस एलिमेंट के थ्रू जिसकी थिकनेस डी वाई है उस एलिमेंट में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो रेट मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे पता है मुझे एरिया ऑफ फ्लो पता होना चाहिए एंड मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एरिया ऑफ फ्लो कितना होगा, क्योंकि इस प्लेट की जो विड्थ है दैट इज बी एंड इस एलिमेंट की जो थिकनेस है दैट इज डी वाई, सो आई कैन draw the side view. Okay, so this is the element in side view, ये उसकी thickness है that is dy and जो इसकी width होगी that will be equal to the width of plate B. So I am getting dA, that is the area of flow in the element, dA will be equal to BdY. Now let us consider at a distance of y इस element में जो velocity है that is u. Okay, velocity कितनी है इस एलिमेंट में जो फ्लूड आ रहा है उसकी है u. ओके सो ये सारा हमने कंसिडरेशन कर लिया, यानी कि y डिस्टेंस वेलोसिटी u है, एरिया ऑफ फ्लो dA इक्वल टू BdY है, जो फ्लूड की डेंसिटी है लेट अस कंसिडर दैट इज रो. ओके सो अब देखते हैं हम ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट. सो ड्रैग फोर्स ऑन द इंटायर प्लेट निकालने से पहले मैं निकालूंगा ड्रैग फोर्स ऑन द एलिमेंट. तो हमारे पास जो लेंथ डी एक्स है, इस डी एक्स लेंथ क्योंकि बहुत स्मॉल है तो यहाँ पर मैं जो टाउ नॉट है वो लगभग मैं सेम लेके चल रहा हूँ कि थ्रू आउट दिस
पर्टिकुलर डिस्टेंस dx tau नॉट इज कांस्टेंट, ओके ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे खासकर गेट में, जिसको जिसमें tau नॉट को दैट इज शेयर स्ट्रेस एज वॉल को एज अ फंक्शन ऑफ x भी देता है, ठीक है। गेट के जो क्वेश्चंस आप करोगे उसमें आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस होते भी हैं, ठीक। कोशिश करेंगे हम लोग इस मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस कवर करें जहां पर tau नॉट को एज अ फंक्शन ऑफ x डिस्क्राइब किया जाता है, ओके okay. सो अभी मैं tau नॉट को थ्रू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अभी कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो क्योंकि इस एलिमेंटल लेंथ में जो वॉल पे शेयर स्ट्रेस है tau नॉट, ओके दैट इज कॉन्स्टेंट, द विड्थ ऑफ प्लेट इज बी एंड द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज डी एक्स, सो द ड्रैग फोर्स ऑन द एलिमेंट डी एफ डी ओके विल बी इक्वल टू वॉल शेयर स्ट्रेस इन टू एरिया ऑफ प्लेट दैट इज बी डी एक्स, ओके। अगर मुझे इंटायर प्लेट के लिए चाहिए होगा ड्रैग फोर्स, सो इन दैट केस मैं जानता हूं जो डी एक्स यानी कि एक्स की जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल। सो इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ओके, जीरो टू एफ डी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल, ओके, टाउ नॉट बी डी एक्स, सो आई विल obtain the total drag force on the plate, total drag or I can say total skin drag or skin drag on the plate, okay? So ये हमको concept याद रखना है। अब इस derivation को continue करने के लिए मैं use करूँगा इसकी, that is dFd is equal to tau naught BDX, क्योंकि मैं अभी particular एलिमेंट के लिए स्टडी करूंगा, देन उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो वैल्यूज आएंगी उसको इंटीग्रेट करके मैं फाइनली अपने रिजल्ट तक पहुंचूंगा, ओके सो ये क्या है, दिस इज अ फोर्स, ड्रैग फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस एफ डी की वैल्यू अगर मेरे को इनिशियली निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मैं वो वैल्यूज निकाल लूं तो मुझे ड्रैग फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी इन दिस एलिमेंट, ओके। सो हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, वेयर m इज मास एंड v इज द वेलोसिटी। नाउ अगर मुझे इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है, सो m विल बी रिप्लेस बाय m डॉट दैट इज kg पर सेकेंड, दैट इज नोन एज मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ओके। सो मास फ्लो रेट इनटू द वेलोसिटी इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज मोमेंटम पर सेकेंड, ओके। तो ये हमको यहां पर याद रखना है। सो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें मास फ्लो रेट कितना कितना है। अब जब मैंने पहले लेक्चर्स आपको कराए हैं बाउंड्री लेयर पे, मैंने वहां पर आपको बताया था कि बाउंड्री लेयर के अंदर जब मैं बात करता हूं तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग मास फ्लो रेट आपको मिलते हैं। तो यहां पर मैं देख सकता हूं एक सेक्शन है आपका एडी, एडी जो है वो इस लीडिंग एज से एक्स डिस्टेंस पे है, दूसरा सेक्शन दिख रहा है मेरे को एलिमेंट का दैट इज बीसी, BC जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो कुछ अलग है दैट इज x प्लस dx। सो जो सेक्शन AD है एंड सेक्शन BC है उन दोनों की डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द लीडिंग एज इज डिफरेंट। तो यहां पर जो मास फ्लो रेट होंगे इन AD एंड BC वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। और अगर और अच्छे से बताऊं तो BC पे जो मास फ्लो रेट आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AD। मैंने इसका कारण भी लास्ट वीडियो में बताया है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जो बाहर का फ्लूड है, ठीक है, इस बाउंड्री के बाहर का जो फ्लूड है वो कंटिन्यूअसली अंदर आते जा रहा है, दैट्स वाई बाउंड्री लेयर के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूड है वो इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई अलोंग द एक्स द थिकनेस इज इंक्रीजिंग। ये मैं आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है, ओके। सो हम अलग अलग सेक्शन पे मास फ्लो रेट निकालेंगे, दैट इज एडी पे निकालेंगे देन बीसी पे निकालेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो साइड CD है उससे कितना मास यहाँ पर एंटर कर रहा है, तो हमको टोटल मास रेट अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हमको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारा मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालता हूँ मास फ्लो रेट फ्रॉम AD, सो मास फ्लो रेट फ्रॉम साइड AD, यहां से जो हमको मास फ्लो रेट मिल रहा है, ओके। तो हम जानते हैं के मास फ्लो रेट हमको अगर निकालना है तो हर एक सेक्शन पे मास फ्लो रेट अलग अलग है,
मैं एडी पे बात कर रहा हूं अगर, ठीक है, अगर मैं एडी पे बात कर रहा हूं तो यहां पर बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है दैट इज डेल। ओके, अब क्योंकि यहां पर जो मैंने डिस्टेंस ली है दैट इज डी एक्स, तो बीसी पे जो बाउंड्री लेयर होगी वो कुछ डिफरेंट होगी, ये भी मुझे यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब एडी पे मुझे मास फ्लो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो यहां पर पॉइंट नंबर ए के अलोंग y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट जो लिया हुआ है उस एलिमेंट से कितना मास रेट मिल रहा है वो मैं देखूंगा, देन 0 to del उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे साइड AD का टोटल मास रेट मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूं इसमें मास फ्लो रेट इन द एलिमेंट, मास फ्लो रेट इन द एलिमेंट। ओके, सो मैं जानता हूं मास रेट होता है रो इंटू ए इंटू वी, दैट इज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ फ्लो इंटू द मीन वेलोसिटी और द वेलोसिटी। सो डेंसिटी इज रो, एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो मैं निकाल चुका हूं दैट इज बी डी वाई, सो दिस विल बी बी डी वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इस एलिमेंट पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज यू, सो दिस विल बी यू। ओके, या इसको लिख सकता हूं रो यू बी डी वाई। ओके, नाउ द मास फ्लो रेट फ्रॉम एडी, मास फ्लोरेट फ्रॉम एडी, सो इस इक्वेशन को मैं जीरो से लेके डेल तक अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो डेल थिकनेस तक मुझे जो मास रेट है वो मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब डेल एक्स डिस्टेंस पे मैं बता रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस इसकी जो सेक्शन बीसी की डिस्टेंस ज्यादा है डेट इज एक्स प्लस डी एक्स है, सो डेफिनेटली यहां पर जो बाउंड्री थिकनेस होगी वो एडी से अलग होगी, लेकिन हमको अभी वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे एक्स करस्पॉन्डिंग मैं डेल की वैल्यू बता सकूं। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, तो यहां पर मैं सिंपल ये देखूंगा कि एक्स डिस्टेंस आगे जाने पे मास रेट में कितना चेंज हो सकता है, तो सिंपल मैं यहां पर यूज करूंगा टेलर सीरीज। ओके, सो मास फ्लो रेट फ्रॉम, मास फ्लो रेट फ्रॉम BC, BC की डिस्टेंस क्या है दैट इज एट x प्लस डी एक्स फ्रॉम वेयर दैट इज लीडिंग एज, लीडिंग एज। ओके, सो दिस विल बी मास फ्लो रेट फ्रॉम AD प्लस डेल बाय डेल x ऑफ मास रेट फ्रॉम AD इनटू DX। इसको और सिंपल फॉर्म में आपको लिख देता हूं मैं, लेट अस से यहां पर जो मास रेट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं m AD, DM AD, ओके, तो इसको मैं लिखूंगा दैट इज DM BC विल बी इक्वल टू DM AD प्लस डेल बाई डेल एक्स DM AD इंटू DX। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ DMBC that is mass flow rate from BC using the Taylor's expansion। Okay, so सारी values मैं यहाँ पर put करता हूँ, so this will be integration from 0 to del rho u b dy plus del by del x of DMAD that is integration from 0 to del rho u b dy into dx। ओके, सो दिस इज द मास फ्लो रेट फ्रॉम बीसी। अब मैं देख सकता हूं कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है, और जैसा कि मैंने बताया ये हमेशा डिफरेंट होती है, क्यों, क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऑफ मास जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है बाउंड्री लेयर में, यानी कि जो साइड सीडी है या डीसी बोलूं मैं, यहां से कुछ फ्लूड अंदर आ रहा है, तो अब मैं साइड सीडी से जितना मास अंदर आ रहा है वो देखूंगा। ओके, सो मास फ्लो रेट, मास फ्लो फ्रॉम सीडी, तो जैसे कि मैंने देखा कि मास रेट में इंक्रीज हुआ, और ये इंक्रीज क्यों हुआ है, जो सीडी साइड से जो मास आ रहा है उसी के कारण हो रहा है, यानी कि मास रेट फ्रॉम बीसी और मास रेट फ्रॉम एडी का जो डिफरेंस है दैट इज द वैल्यू ऑफ मास विच इज इंटरिंग द बाउंड्री लेयर फ्रॉम द साइड सीडी। ओके, जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उतना ही फ्लूड एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो है वो बाहर से अंदर आया है, तो दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को आपस में घटा देता हूं, सो इक्वेशन नंबर टू में से मैं इक्वेशन नंबर वन को घटा देता हूं,
तो मुझे साइड सी डी से आने वाला मास फ्लो रेट मिल जाएगा. सो डी एम डॉट सी डी विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस. तो ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये. सो दैट विल बी डेल बाई डेल एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल रो यू बी डी वाई इंटू डी एक्स. ओके, यहाँ पर बताना चाहूँगा जो मास रेट है बेसिकली उसको हम एम डॉट से शो करते हैं. ठीक है, अगर एम डॉट बाई चांस अगर मिस भी हो जाता है तो उसमें आपको उतना वरी नहीं करना है. ठीक है, आपको बस यूनिट्स वहाँ पर आपको प्रिसाइसली लिखने हैं, क्योंकि कई बार इन फ्लो ऑफ राइटिंग ऐसा हो सकता है कि आप एम डॉट एग्जैक्टली लिखना भूल जाओ. बट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट यू आर टेकिंग मास रेट नॉट दी मास. ओके, सो यहाँ पर मुझे सारे डायरेक्शन में अब मास फ्लो रेट जो है वो मिल गए हैं. अब मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए. तो जितने डायरेक्शन से मास आया जा रहा है सभी तो मैंने निकाल लिया, मास रेट सारे निकाल लिए. अब मैं सभी डायरेक्शन से जितना मोमेंटम इंटर हो रहा है ना, दैट इज मोमेंटम इनफ्लक्स एंड मोमेंटम इफ्लक्स, यानी आने वाला मोमेंटम और जाने वाला मोमेंटम निकालू, एंड देन नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैं फाइंड आउट करूं, तब मुझे मिल जाएगा ड्रैग फोर्स ऑन द एलिमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस. सो देखते हैं सबसे पहले मोमेंटम, मोमेंटम इनफ्लक्स यानी कि जो अंदर आ रहा है, मोमेंटम इनफ्लक्स फ्रॉम एडी. इनफ्लक्स इसलिए क्योंकि एडी साइड से जो मास है वो इंटर कर रहा है. ठीक है, जो साइड बीसी है वहां से ये बाहर जा रहा है तो इसको मैं बोलूंगा इफ्लक्स. साथ ही साथ जो साइड सीडी है वहां से मास इंटर कर रहा है, सो आई विल यूज इनफ्लक्स. ओके, सो ये हो जाएगा रेट मास फ्लो रेट इनटू द वेलोसिटी. मास रेट में निकाला हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल रो यू बी डी वाई. ओके, इनटू वेलोसिटी दैट इज यू. सो दिस विल बिकम जीरो टू डेल रो यू स्क्वायर बी डी वाई. ओके, सो दिस इज द मोमेंटम इनफ्लक्स फ्रॉम एडी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ अब मैं निकालूंगा मोमेंटम इन इफ्लक्स, मोमेंटम इफ्लक्स फ्रॉम बी सी. ओके, सो बी सी के केस में जो मास फ्लो रेट था डेट वॉज जीरो टू डेल रो यू बी डी वाई प्लस डेल बाई डेल एस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल रो यू बी डी वाई इंटू डी एक्स. ओके, सो इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज यू का मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो दिस विल बिकम्स जीरो टू डेल इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल रो यू स्क्वायर बी डी वाई प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल रो यू स्क्वायर बी डी वाई इंटू डी एक्स. ओके, सो दिस विल बी द मोमेंटम इफ्लक्स फ्रॉम बी सी. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. नाउ मोमेंटम इनफ्लक्स, मोमेंटम इनफ्लक्स फ्रॉम सी डी, फ्रॉम सी डी. अब देखिए सी डी वाले में आपको ध्यान रखना है, जो सी डी है सी डी में जो फ्लूड इंटर कर रहा है या इसके थ्रू जो फ्लूड इंटर कर रहा है वो बाहर से आ रहा है, एंड आउटसाइड दी बाउंड्री लेयर जो वेलोसिटी है दैट इज यू इनफाइनाइट. ओके, दैट इज यू इनफाइनाइट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. सो यहाँ पर जब मोमेंटम निकालने के लिए हम वेलोसिटी लेंगे दैट विल बी यू इनफाइनाइट. ओके, हमने निकाला था इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल रो यू बी डी वाई. ओके, दैट वॉज द मास रेट फ्रॉम साइड सी डी इंटू डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा आपका u infinite. So this is the momentum influx from CD, that is del by del x 0 to del rho u b dy dx into u infinite. Okay, तो हमको सभी direction में मिल गया momentum. Let us say this is equation number 5. तो अब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ से निकाल सकता हूँ जिसके थ्रू मुझे ड्रैग फोर्स मिल जाएगा. तो अब मैं निकालने वाला हूँ नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन कंट्रोल वॉल्यूम ए बी सी डी. तो मैंने यहाँ पर मोमेंटम इफ्लक्स फ्रॉम बी डी माइनस मोमेंटम इनफ्लक्स फ्रॉम ए डी माइनस मोमेंटम इनफ्लक्स फ्रॉम सी डी कर दिया है, यानी कि जितना मोमेंटम बाहर गया उसमें से मैं जितना मोमेंटम अंदर आ रहा है उनको मैं आपस में रिड्यूस कर दिया हूँ. तो मुझे नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल रहा है डेल बाई डेल एक्स इंटू
rho into b, integration from 0 to del u square minus u into u infinite into dy into dx. Okay, so this is the net rate of change of momentum in the control volume ABCD. Now यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ते हैं या मोमेंटम थ्योरम जब पढ़ते हैं हम, तब वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उसके अगेंस्ट हमको फोर्स मिलता है. जैसे कि मैं स्प्रिंकलर की बात करता हूँ, ठीक है. स्प्रिंकलर जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो हम देख रहे थे जो जेट होता है जिससे वाटर बाहर निकलती है, तो इस डायरेक्शन में जो था वो फ्लो हो रहा था, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज मिलता है हम लोगों को. लेकिन जो स्प्रिंकलर है वो ऐसा नहीं घूमता, यानी कि इस अगर मैं वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस ड्रॉ किया हूँ, तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शंस जो है, ठीक है, ये जो मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ इन क्लॉकवाइज सेंस, उस डायरेक्शन में रोटेट तो कभी नहीं होते. वो किस डायरेक्शन में रोटेट होते हैं? इसके अपोजिट सेंस में, है ना. ये हम देखते हैं. तो यहाँ से हमको समझ आता है मोमेंटम थ्योरम या इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको फोर्स मिलता है, ठीक है. सो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में, क्योंकि हमने जो फोर्स लिया है इन द एलिमेंट दैट इज ड्रैग फोर्स एफ डी इज इक्वल टू वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट इंटू बी इंटू डी एक्स. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस ड्रैग फोर्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फ्रॉम द मोमेंटम प्रिंसिपल द फोर्स ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी अपोजिट ऑफ दिस फोर्स. ओके, विल बी अपोजिट ऑफ दिस फोर्स, यानी कि जब मैं एफ डी को लिखूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो ड्रैग फोर्स एफ डी इन डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सो आई विल राइट इट एज माइनस टाउ नॉट इंटू बी इंटू डी एक्स. माइनस साइन ये बता रहा है कि जो पहले ये वैल्यू ली गई थी, ठीक है, ये वैल्यू मोमेंटम के साथ के डायरेक्शन में है, लेकिन एक्चुअली जो फोर्स हमको मिलेगा, ड्रैग फोर्स का जो डायरेक्शन हमको ये मिल रहा है, ये वाला जो डायरेक्शन हमको मिल रहा है, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज अगेंस्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ये जो कंसेप्ट है इस डेरिवेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने डेरिवेशन में इस पॉइंट को कंसिडर करना है. बुक्स में आपको डायरेक्टली लिख देता है, रीजन नहीं बताता है. मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो ड्रैग फोर्स हमको मिलेगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन, यानी कि इस ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके अपोजिट है, ठीक है, उसके अपोजिट. दैट्स व्हाई इस वैल्यू को मैं यहां पर माइनस लिखूंगा, ठीक है. अब ये जो डायरेक्शन है, दिस इज दैट इज माइनस टाउ नॉट इंटू बी इंटू डी एक्स, इसका जो डायरेक्शन है एंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो अब सेम हो गया है, ठीक है. तो अब दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट करता हूं और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे फाइनल वॉन कार्वन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस माइनस साइन को मैं उधर ट्रांसफर करता हूं, तो जाएगा टाउ नॉट इंटू बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इंटू रो इंटू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल u इंटू यू इनफाइनाइट माइनस यू स्क्वायर, ये अल्टर हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर आया है, ओके, इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. ओके, नाउ यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स सेम टू सेम है यहाँ पर, तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर b से ये जो b है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है b, तो उसको मैं बाहर भी ला सकता हूँ. ओके, सो जस्ट बिकॉज विड्थ ऑफ प्लेट है डेट इज कॉन्स्टेंट, और डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा एंड फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने इसको प्रीवियसली ही कैंसिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर टर्म को देखिए, इस पर्टिकुलर टर्म को मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मैं इसको जो मोमेंटम थिकनेस है उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो अब मैं उस डायरेक्शन में सोचना चालू करता हूँ. मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू इनफाइनाइट स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ. ओके, सो चलिए आगे देखते हैं. तो जाएगा टाउ नॉट इज इक्वल टू जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ओके, इंटू रो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल, ओके, यू इनफाइनाइट में कॉमन निकाल दिया, सो यू इनफाइनाइट स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, सो यू इनफाइनाइट स्क्वायर ये हो जाएगा यू बाई यू इनफाइनाइट माइनस यू स्क्वायर बाई यू इनफाइनाइट स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. ओके, अब
u infinite is a constant, this is the value of free stream velocity. तो u infinite भी integration के और differential के बाहर आ जाएगा, density भी constant. If मैं बोलता हूँ हमारा जो fluid है, if fluid is incompressible, so rho क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, density constant हो जाएगी, तो density भी constant, u infinite भी constant, ये बाहर आ जाएगा. So I will write it as tau naught is equal to rho into u infinite square del by del x, okay? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल. अब यहां से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ये बाहर जा चुका है, तो इस पर्टिकुलर टर्म्स में अगर मैं u बाई u इनफाइनाइट कॉमन निकाल लेता हूं, सो u बाई u इनफाइनाइट कॉमन निकाला तो देख रहा हूं मैं, यहां रहा u बाई u इनफाइनाइट इंटू वन माइनस u बाई u इनफाइनाइट इंटू डी वाई. ओके, ये यहां पर आ रहा है. ठीक, सो अब देखने को मिल रहा है ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल ऑफ u बाई u इनफाइनाइट इंटू वन माइनस u बाई u इनफाइनाइट इंटू डी वाई. दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम थिकनेस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा. सो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, फाइनल हमको मिल जाएगा tau naught अपॉन rho u इनफाइनाइट स्क्वायर इज इक्वल टू del by del x of theta. So this particular relationship is known as von Karman momentum integral equation. तो हमारे पास हमारा von Karman momentum integral equation आ चुका है, and that is written as tau naught by rho u infinite square is equal to del theta by del x. Okay? Now ये जो equation है ये laminar के लिए भी सही है, valid है. ओके, लैमिनार फ्लो के लिए भी वैलिड है, ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी वैलिड है, टर्बुलेंट फ्लो. ओके, एंड इट इज वैलिड एज वेल एज फॉर द ट्रांजिशन फ्लो. सो किसी भी तरह के फ्लो के लिए, चाहे लैमिनार हो, टर्बुलेंट हो या ट्रांजिशनल फ्लो हो, सभी के लिए ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है. अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं. देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इक्वेशन है ये ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने के काम आता है, साथ साथ ये बहुत ही वर्सेटाइल इक्वेशन है, इसका हम और भी अलग अलग अप्रोचेस में इसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस. ओके, बाउंड्री लेयर थिकनेस. ओके, एंड मैंने आपको बताया है बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल इज फंक्शन ऑफ एक्स, अलग अलग एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलग अलग डेल की वैल्यू भी आपको मिलती है. अब इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, यूजिंग वॉन कार्मन मोमेंटम इक्वेशन. ठीक है, तो मैं अब आगे से इसको वॉन कार्मन इक्वेशन ही बोलूंगा, आई होप आप उसके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे. ओके, सो वॉन कार्मन इक्वेशन यूज करके हम लोग किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट नीड क्या है, फर्स्ट नीड इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी गिवन. ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी गिवन. ओके, यानी कि जो u बाई u इनफाइनाइट है इसका कोई भी आपको फंक्शन जो है वो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, और जनरली गिवन भी आपको होता है. अब बोलेगा उस क्वेश्चन में कि फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोफाइल, ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो है लैमिनार भी हो सकती है, ये टर्बुलेंट भी हो सकती है, सारे केसेस को हम यहाँ पर हमारे मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो किसी भी तरह के फ्लो के लिए लैमिनार, ट्रांजिशन, टर्बुलेंट, किसी के लिए भी आपको वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर दे देगा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन यू बाई यू इनफाइनाइट. नाउ क्वेश्चन विल आस्क, फर्स्ट कैलकुलेट द बाउंड्री लेयर थिकनेस, कैलकुलेट द वॉल शियर स्ट्रेस, कैलकुलेट द लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट, कैलकुलेट द एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट, कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट. ओके, सो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में पूछता है, तो इसको जब आपको सॉल्व करना होगा, सो फॉर अ गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल यू हैव टू इंप्लीमेंट द वॉन कार्मन इक्वेशन. ओके, तो पहला स्टेप क्या रहता है, पहला स्टेप हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को, दैट इज फर्स्ट वी यूज, दैट इज स्टेप नंबर वन इज यूज वॉन कार्मन इक्वेशन, यूज वॉन कार्मन इक्वेशन, दैट इज tau naught इज अपॉन rho by rho into u infinite square is equal to del theta by del x. इस इक्वेशन को आपको यूज करना है. अब हम जानते हैं थीटा, दैट इज द मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस थीटा को हम लोग लिखते हैं थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल u बाई u इनफाइनाइट इंटू वन माइनस
uy u infinite into dy. ओके, तो जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल आपको क्वेश्चन में गिवन है उस इक्वेशन को यहाँ पुट कीजिए एंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. थीटा की जो वैल्यू आती है वो मोस्टली आती है किसके फॉर्म में, डेल के फॉर्म में आती है. ठीक है, डेल के फॉर्म में आएगी ये वैल्यू. नाउ उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे. ठीक है, यहाँ पुट करोगे देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको टाउ नॉट का एक इक्वेशन मिल जाएगा. एट द एंड आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टाउ नॉट. नाउ कंसिडरिंग द फ्लूड एज अ न्यूटोनियन फ्लूड वी विल यूज स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे, वी विल यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ओके, दैट इज रिटन एज टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. नाउ हमारा जो यहां पर शेयर स्ट्रेस है दैट इज द वॉल शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट. So from Newton's law of viscosity I write wall shear stress tau naught as tau naught equal to mu du by dy at y equal to 0. Now du by dy कैसे मिलेगा, हमारे पास u और u infinite का मैंने बताया कोई इक्वेशन है. यहाँ u infinite को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको u का एक इक्वेशन मिल जाएगा. इस इक्वेशन को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको du by dy मिल जाएगा. देन वहां पर आप y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0 तब आपको मिलेगा du by dy एट y इक्वल टू 0. देन इस वैल्यू को उठा के आप यहां पुट कर दोगे तो आपको tau naught का सेकेंड इक्वेशन मिलेगा. एंड बोथ आर दी वैल्यू ऑफ वॉल शियर स्ट्रेस दैट y, जो ये वैल्यू आई थी यूजिंग वॉन कार्वन इक्वेशन एंड जो ये वैल्यू आई है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विल बी सेम. सो लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 बनता है और ये बनता है आपका इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आप इक्वेट करेंगे. इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल, दैट इज दी बाउंड्री लेयर थिकनेस BLT. आपको बाउंड्री थिकनेस की वैल्यू उस पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए मिल जाएगी. सो अब देखते हैं हम लोकल एंड एवरेज ड्रैग कोफिशियंट. ड्रैग कोफिशियंट को मैं CD से रिप्रेजेंट करता हूँ. जब लोकल ड्रैग कोफिशियंट की बात करता हूँ तो मैं वहाँ पर CDX लिखता हूँ और एवरेज ड्रैग कोफिशियंट के लिए मैं CDL या फिर CD bar ये यूज करता हूँ. रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दैट CDX विल रिप्रेजेंट अवर लोकल ड्रैग कोफिशिएंट, CDL और CD bar विल रिप्रेजेंट द एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लोकल ड्रैग कोफिशिएंट. लोकल दैट मींस एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी एक्स वैल्यू पर, किसी एक्स लोकेशन पर. दैट्स यहाँ पर मैं CDX लिख रहा हूँ. लेट अस से देयर इज अ प्लेट, तो किसी एक्स लोकेशन पर लेट अस से कोई पॉइंट है यहाँ पर ए. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस लोकल पॉइंट पे जो आपका ड्रैग कोफिशिएंट का वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज द लोकल ड्रैग कोफिशिएंट. और इंटायर प्लेट के लिए जो आप वैल्यू कंसीडर करते हो दैट इज कॉल्ड द एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाई CDL और CD bar. ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है CDX इज इक्वल टू दैट टाउ नॉट डिवाइड बाई हाफ रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर. ओके, सो यहां जो टाउ नॉट है दैट इज वॉल शियर स्ट्रेस एट पर्टिकुलर लोकेशन. ओके, एंड वॉट इज दिस, दैट इज हाफ रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर, दिस इज द डायनामिक प्रेशर. ओके, सो द रेशियो बिटवीन द वॉल शियर स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड द डायनामिक प्रेशर गिव्स अस द लोकल ड्रैग कोफिशियंट. देन एवरेज ड्रैग कोफिशियंट CDL और CD bar लिखता हूं मैं FD, दैट इज द ड्रैग फोर्स अपॉन हाफ रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर इनटू एरिया. ओके, अब FD दैट इज टोटल ड्रैग फोर्स कैसे फाइंड आउट होता है, मैंने बताया FD होता है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L ऑफ टाउ नॉट इनटू बी इनटू dx. दिस गिव्स अस द ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ लेंथ L, where L is the length of the plate along the direction of flow. ये बहुत important point है. सोचिए आपके पास एक plate है जिसके दो dimension है, one is length, one is breadth. Okay, ये plate ले लिया मैं. Okay, let us say ये A है and this is B. Okay, now L, starting में बताया था जब मैं Reynolds number आपको बता रहा था, आज फिर मैं repeat करता हूँ. L जो होता है that is the length of
प्लेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर फ्लो इस तरह से हो रहा है दैट इज अलॉन्ग ए हो रहा है तो एल की वैल्यू होगी ए के बराबर, अगर फ्लो ऐसा हो रहा है दैट इज अलॉन्ग द विड्थ फ्लो हो रहा है तो एल की वैल्यू विड्थ के बराबर हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है यहाँ एफ डी कैलकुलेट करने में, आर डी कैलकुलेट करने में, या जहाँ भी हमको लेंथ के टर्म यूज करने हैं वहाँ पर कैलकुलेशंस करने में इस चीज़ का आपको स्पेशल केयर करना है, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज ड्रैग कोफिशियंट। तो यहाँ पर हमारा जो वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन था उसका डायरेक्शन खत्म हुआ। साथ साथ मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर गिवन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप किस तरह से जो बॉन्डुलर थिकनेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है एंड जो टोटल ड्रैग फोर्स है एफ डी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हम एक वेलोसिटी प्रोफाइल जो कि एक लैमिनार फ्लो से रिफर करती है उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और हम एक टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एंड जो डिफरेंट वैल्यूज आज हमने डिस्कस करी वो सारे हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और जिसके साथ हम लोग का ये जो मॉड्यूल है बॉन्डुलर थ्योरी का वो खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, हम डिस्कस करेंगे इसमें जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है उसके बारे में भी, मतलब बाउंड्री लेयर सेपरेशन के साथ हमारा जो टोटल टॉपिक है बाउंड्री लेयर थ्योरी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आप आई थिंक उसके लिए एक्साइटेड होंगे। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।